ओए ओए ओ ओ ओ भाई तुझे पता, इधर देख पीछे देख, अपने पीछे देख, अपने पीछे तो देख गाइस, ये पता कितना नुकीला है। तू क्या था दूसरी हाथ देख। ओ भाई गाइस ये चेक करो भाई, गाड़ी पूरी खड्डे पे चली गई है यार। ट्रैफिक देख रहे हो? फाइनली गाइस हियर इज अवर मीटर कवर। ये हमारा न्यू वाला मीटर कवर देख रहे हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू। हेलो ये देखो भाई, बच्चे रुका लेते हैं, तुम लोग जाने नहीं देते हो मुझे। हेलो फाइनली गाइस अभी हम मीटर पे अपना नाम लिखा रहे हैं, चेक करो ऊपर ज्यादा हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल ऑल योर व्लॉग्स। सो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देख रहे हो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं फिर से अपने रूम से। हम सारे व्लॉग्स अपने रूम से शुरू करते हैं बिकॉज मुझे यहाँ से व्लॉग शुरू करना बहुत पसंद है। तो गाइस आज है संडे और आज होने वाली है एक अच्छी सी संडे राइड। और गाइस अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि हमारा हीरो 10 खराब हो चुका है, तो गाइस इसको रिप्लेस करने में मेरे को कम से कम 7 दिन तो लगेंगे। मैं सोच रहा हूँ हीरो 11 ही ले लूँ बिकॉज वो आ चुका है, तो देखते हैं वो बाद में डिसाइड करता हूँ क्या होने वाला हो, तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल गाइस अभी इशू ये है कि मेरे पास अभी GoPro नहीं है और हमें व्लॉग बनाना है, और अब GoPro के बगैर व्लॉग बनाना तो इम्पॉसिबल। तो गाइस नीचे कैफे पे पड़ा है GoPro 8, तो आज का व्लॉग आपको हीरो 8 से देखने को मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, देखो 7 दिन तो लगेंगे कम से कम इसको एक्सचेंज करवाने में, बिकॉज मैंने ये लिया बॉम्बे से, मैंने जम्मू से नहीं लिया। अगर जम्मू से लिया होता फिर शायद 1 दिन में एक्सचेंज हो जाता, पर ये हमने बॉम्बे से लिया, तो कम से कम 7 दिन लगेंगे इसको एक्सचेंज करने में। तो कोई चक्कर नहीं गाइस, आज का व्लॉग अपना हीरो 8 पे होने वाला है। तो गाइस 2-3 दिन के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वैसे गाइस हीरो 8 की अच्छी क्वालिटी होती है, इतनी भी कोई बेकार क्वालिटी नहीं होती है। मैंने आज तक हीरो 8 पे व्लॉग बनाए, मैंने हीरो 10 महीने पहले लिया है। तो गाइस आज का व्लॉग अपने हल्क पे होने वाला है, तो वो नीचे लगा है, तो चलो उसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और आज संडे, आपको पता संडे राइड तो हमारी बहुत खतरनाक रहती है, तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो चलो गाइस चलते नीचे सीधा कैफे पे, तो वहां पे पड़ा हमारा हीरो 8, तो उससे आज का व्लॉग बनाते हैं और गाइस इसका भी इलाज करते हैं थोड़े दिनों में। तो चलो सीधा मिलता हूं आपसे बाइक पे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे लगा अपना हल्क, तो अभी हम हीरो 10 से ही शूट कर रहे हैं बिकॉज इसका एक्सटर्नल माइक अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलो गाइस अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लगा दी हमने की और ये हो गया हमारा कोल्ड स्टार्ट। तो गाइस अभी एक्सटर्नल माइक से शूट हो रहा है, होप आपको आवाज़ आ रही हो बिकॉज बाइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है यार। ये कितना आवाज़ देख रहे हो भाई, कितनी लाउड है, मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आपको पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई पता नहीं है। और गाइस हमारे टायर को पता नहीं क्या हुआ, ये कहाँ से लाइट वगैरह बनी है, कोई पता नहीं है मुझे। और यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैंने हेलमेट भी ना पहनी है, रोज मैं हेलमेट पहन के स्टार्ट करता हूँ। गाइस अभी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते हैं बिकॉज जब तक ये पार्किंग से बाहर नहीं निकलेगी ये नहीं निकल सकती है, क्योंकि ये बंद है, आपको देख सकते हो आराम से भाई, गाड़ी ठोक देगा ये। तो चलो गाइस अभी अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं और यहाँ पे चेक करो, ये देख करो, ये देख रहे हो भाई ये टूट जाएगा किसी दिन। तो गाइस चलो आपसे सीधा कैफे पे मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कैफे पे और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमें मिल गया है GoPro जो इन भाई का है। तो अभी हम शूट करने वाले हैं हीरो 11 से, मैंने पहले सोचा था 8 से शूट करूंगा पर नहीं यार, हम हीरो 11 से शूट करने वाले हैं, ये चेक कर लो। तो अभी यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप खुला पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी से माउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी हम शूट कर रहे हैं GoPro हीरो 11 से, और भाई इसमें हाइपर व्यू आता है, जो हमारे 8, 9, 10 है उसमें आता है सुपर व्यू, इसमें हाइपर व्यू आता है। तो आप व्यू देख रहे होगे भाई कितना बड़ा आ रहा है, मेरी बाइक इतनी सी लग रही है, मेरी बाइक इतनी बढ़िया ना, इतनी सी लग रही है इसमें। तो देखते हैं यार कि हाइपर व्यू पे शूट करना है या तो फिर सुपर व्यू पे शूट करना है। मैं एक मिनट बाइक पे बैठ के देख लेता हूँ। गाइस बाइक बहुत छोटी लग रही है यार, ये क्या चक्कर है, देख रहे हो कितनी सी लग रही है बाइक, हाइपर व्यू में ज्यादा व्यू आ रहा है, देख रहे हो ना, मतलब पूरा 360 टाइप लग रहा है मुझे, पर अच्छा लग रहा है। तो आज का व्लॉग इसी में शूट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। सो फाइनली गाइस चलो अभी निकलते हैं और देखते हैं भाई हाइपर व्यू पे कैसा व्लॉग बनता है। पहले मैं सोच रहा था सुपर वाइड पे कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा यार अगर GoPro वाले ने कोई फीचर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो आज का व्लॉग इसमें ट्राई करते हैं। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसा व्यू आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं अब GoPro 11 ही लूंगा, मतलब 10 को एक्सचेंज करके 10 ही लूंगा, मैं उनको बोलूंगा 10 के पैसे काट लो जितने कटते हैं, तो फिर 11 ले लो, अगर वो पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर नया 11 ले लेंगे, और क्या कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि यार 11 की क्वालिटी मुझे बहुत सुप्रीम लग रही है सही बताऊं तो। हेलो ये देखो भाई, बच्चे रुका लेते हैं, तुम लोग जाने नहीं देते हो मुझे। हेलो 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 कैसे हो, ठीक हो, चलो मिलते हैं बाद में, ठीक है, ओके बाय 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 भैया। गाइस बच्चे रोड में आ जाते हैं, बोलते हैं रुको ही रुको। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्रा,
तो भाई हमारे दोस्त लोग सारे आगे वेट कर रहे हैं, तो चलो जल्दी से चलते हैं। और गाइस व्यू क्या आ रहा है यार, हीरो 11 पे देख रहे हो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है, एक नंबर। तो चलो यार थोड़ा जल्दी चलते हैं। आप बात है भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, अब मैं हीरो 11 ही लूंगा, 10 के अवार्ड में 10 सही नहीं है। गाइस अभी ये 5.3K में शूट कर रहा है, 4K में भी नहीं, 5.3K में। गाइस ये हाइपर वाइड एंगल में कर रहा है, 5.3K में शूट, जो बहुत बड़ी बात है यार। क्या बात है, खींचते तो पावर देखो भाई, ओह माय गॉड, अल्टीमेट पावर है। गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते हैं। क्या बात है भाई, भाई छोटे छोटे पॉप अप्स तो बनते हैं भाई। ओ भाई छंडो जाती है यार ये। फाइनली गाइस अभी हम बस पहुंचने वाले हैं नेस कैफे, तो चलते सीधा पिट स्टॉप, वहां पे मैं आपको कवर भी दिखाता हूँ, जो हमारा मीटर का कवर आया ना वो भी दिखाता हूँ। अल्टीमेट पावर, ऐसा लगता है भाई इंजन बाहर आ जाएगा, बाइक का इतना पावर रिलीज करती है ना ये, डराती है यार कसम से लिटरली। देखो पावर, देख रहे हो कैसे पावर निकलती है इस बाइक से। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पिट स्टॉप पे। सो फाइनली गाइस अभी हम वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं अपनी बाइक को, बिकॉज मुझे यहाँ पे अपना मीटर चेंज कराना है, मेरा मीटर आ चुका है। क्या बात है भैया, देख रहे हो गोदाम, अभी हम गोदाम में जा रहे हैं। सो गाइस ये है हमारे पिट स्टॉप की वर्कशॉप, ये चेक करो, और ये है हमारे मैकेनिक निशान भैया। फाइनली गाइस हियर इज अवर मीटर कवर, मीटर कवर या मीटर प्रोटेक्टर या जो भी चाहो आप बोल सकते हो इसको। तो ये रहा हमारा पुराना मीटर जो हमारे हेटर्स ने तोड़ दिया था, अगर वो मुझे मिलते मैं भी उनको तोड़ता, पर उन्होंने हमारा कवर तोड़ा, फिर हमने ये न्यू वाला मंगाया। ये चेक करो गाइस, ये हमारा न्यू वाला मीटर कवर देख रहे हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू कावासाकी का। और भाई ये इतनी सी चीज कितने की होगी ना, ये देख रहे हो मीटर, ये क्या है, कवर है ना प्लास्टिक का लग रहा है, ऐसे ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ। इसका मुझे प्राइस गेस करके बताना ठीक है, सारे कमेंट सेक्शन में इसका प्राइस लिखो ठीक है, फिर मैं आपको प्राइस अगले ब्लॉग में बताऊंगा। ये रहा हमारा पुराना वाला मीटर, तो अब इसको एक्सचेंज करके हम ये वाला लगाएंगे, न्यू वाला मीटर लगाएंगे। तो चलो गाइस अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट। फाइनली गाइस अभी जिशान भैया ने हमारी पूरी बाइक खोल दी है, ये देख रहे हो भाई, ये रिमूव हो रहा सारा, करो इसको रिमूव, देख रहे हो अब अपनी बाइक कैसी लग रही है, एक मिनट जिशान भैया जगह दो, ये देखो भाई लुक चेक करो, अभी अंधेरा आ रहा है यार। सो फाइनली गाइस अभी हमारा मीटर निकल चुका है, ये देखो निकल रहा है, ये देखो भाई ये आ गया हमारा मीटर बाहर। क्या बात है भाई, कितना खूबसूरत है, आपको मैं धूप में दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई, ये हमारा मीटर, ये देख रहे हो, ये यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है, ये हमारे हेटर्स ने तोड़ा था, पूरा कंसोल हमारे हाथ में आ गया हुआ है यार, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। ऐसा कुछ स्पीडोमीटर होता है अपनी निंजा 1000 में। तो चलो अब इस कवर को उतार के न्यू वाला लगाते हैं। ये रहा हमारा स्पीडोमीटर, ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है यार। तो अभी ये यहाँ पे साफ हो रहा है, दूसरा वाला मीटर जो हमने लगवाना है, मीटर नहीं सॉरी कवर, मैं बार बार इसको मीटर पता नहीं क्यों बोलता हूँ। फाइनली गाइस अभी जिशान भैया ने हमें एक आइडिया दिया, ये हमारा मीटर देख रहे हो, तो अभी मैं भाई इस मीटर के अंदर अपना नाम लिखवाने वाला हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं टेपिंग वाली शॉप पे। तो गाइस अभी मैं हिमालयन चलाने वाला हूँ, क्योंकि अपने कोई दगाबाज दोस्त है वो अपनी बाइक चलाने नहीं देते। सो गाइस अभी मैं हिमालयन पे आ गया हूँ यार, हिमालयन इतनी सी लग रही है। ओ भाई ये कैसी लग रही है यार, इतनी सी लग रही है गाइस, हाइपर वाइड एंगल में ऐसे ही लगता है। सो गाइस अभी जिशान भी हमारे पीछे बैठ रहे हैं और हम जा रहे हैं टेपिंग वाली शॉप पे, और गाइस हमारा मीटर अब टोटली कस्टमाइज होने वाला है। जिशान भी हिमालयन पे ऐसे फीलिंग आती है जैसे बंदा लद्दाख जा रहा है, अगर आप इस पे गियर्स पहन के बैठोगे ना ऐसा लगेगा लद्दाख जा रहे हो आप यार। फाइनली गाइस अभी हम मीटर पे अपना नाम लिखा रहे हैं, चेक करो ऊपर ज्यादा हो जाएगा, टेढ़ा करो थोड़ा और टेढ़ा करो। 2000 years later. तो फाइनली गाइस जो काम करवाने आए थे वो हो चुका है, तो देख रहे हो भाई मीटर पे अपना नाम आ चुका है, तो अब जब इसमें लाइट आएगी ना तब और वाइब्रेंट लगेगा और अच्छा लगेगा। तो चलो अभी चलते सीधा सर्विस सेंटर। फाइनली गाइस बहुत वेट हो गया, तो चलो अभी निकलते हैं यार, बनाते एक अच्छा सा व्लॉग। और भाई शाम होने वाली है, हम रोज लेट हो जाते हैं यार व्लॉग बनाने में। गाइस बेंड आया था, मैंने कोई 120-30 की स्पीड में बेंड काटा होगा यार। गाइस आज हमने प्लान बनाया था कि जज्जर कोटली चलेंगे, पर यार मीटर के काम में इतना टाइम लग गया था, अभी शाम होने वाली है, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। भाई साहब ओ भाई खड्डे में चलेगी गाड़ी। गाइस ये चेक करो भाई, गाड़ी पूरी खड्डे में चली गई है यार। ओ भाई गाइस अभी बूजा का वेट हो रहा है यार, वो बंदा पता नहीं कहाँ पे फंस गया हुआ है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे गाड़ी खड्डे में चली गई है, पता नहीं क्या सीन और क्या है यहाँ पे भी। ओ
हो भाई साथ में पॉपअप भाई मेरी नीचे आ जाती है, मेरी बाइक भारी बहुत है ना, मेरी चल नहीं पाती, मेरी नीचे आ जाती है भाई। ट्रैफिक देखो आगे यार, ट्रैफिक देख रहे हो, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक था भाई पीछे। ओ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दूसरी आप देखो भाई, भाई ज्यादा उठ गई थी भाई बाइक, 90 डिग्री उठी थी भाई। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे, तो हम सोच रहे हैं वहां पे अपनी बाइक चढ़ाई जाए। भाईजान फोटो ले लो यार, आ जाओ, हेलमेट तो उतारो यार, हेलमेट आप पहन ली भैया, कर ली बंद, कर ली भाई, पतंग चलेगा बंद भाई, को पता चल यार, लो यार आपके लिए, ये लो भाई के साथ फोटो। तो चलो गाइस अभी चलाते हैं बाइक्स, हट हट हट, आराम से आराम से। ओ देखो क्या कर रहा है सलमान यार, पहली बार ही बाइक चला रहा है तू, क्या हो गया तेरे को। सो गाइस अभी जीरो सो को भी लेके जा रहे हैं हम, तो अभी सेकंड ट्राई कर रहे हैं, चल। सो गाइस यहां पे आपको ऑफ रोड देखने को मिलेगा, वो देखो, ओए ओए ओ ओ, सलमान मर गया था तू। ओ भाई तुझे पता, इधर देख, पीछे देख, अपने पीछे देख, अपने पीछे तो देख गाइस, ये देख रहे हो, ओ भाई ये इतना नुकीला, इधर सलमान, इधर इधर भाई, इधर इधर हाथ लगा, इसको हाथ लगा, गाइस ये पता कितना नुकीला है। तू गया था, तू जाके वो ज़कात दे, तू ज़कात दे अपनी जाके, दो मैं निकालता हूँ भाई, हो गया था इसका काम, हो गया था आज भाई। मैं अपनी ऊपर बाइक ला रहा था, मैं डर गया, मैं नहीं लाऊंगा गाइस। बाइक स्टार्ट नहीं होती है यार, गिरने के बाद ये क्या चक्कर होता है। होगी होगी स्टार्ट, ऐसे चढ़ती है। हाँ जी भाई, थैंक यू भाई, कैसे हो, ठीक हो, घर में सब ठीक है, ठीक है भाई। सो गाइस देख रहे हो हमने हिमालयन सेफली चढ़ा दिया ऊपर, तो गाइस अभी उतारते हैं हिमालयन को नीचे, वीडियो बनाना, मैं थोड़ा बर्नआउट मारता हूँ। सो चलो गाइस अभी उतारते हैं बाइक नीचे भाई, एक ये हिमालयन लंबी बहुत है यार, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है भाई को, देख रहे हो बिना स्टैंड के भाई खड़ी है। चलो भाई आप निकाल लोगे, आ जाओ। तो गाइस ये देख रहे हो भाई का चैनल यार, इनको सब्सक्राइब कर लो, अभी इनके 300 सब्सक्राइबर है, मान के करवा दो, ठीक है। तो फाइनली गाइस चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं भाई वापस जम्मू, सेम हेलमेट पहनी है दोनों ने भाई, ये करण अर्जुन है देखो। आलियन व्लॉग्स, हेलो, फोटो खींचने हैं, खींचो, कैसे हो, ठीक हो, सब देखते हो मेरे व्लॉग, हाँ। सो गाइस अभी अपने सारे फ्रेंड्स आके चले गए भाई, ये लोग मुझे रुका रहे थे तो मैं रुक गया, तो ठीक है। दोस्त लोग पता नहीं कहाँ आगे चले गए भाई, 2 सेकंड के अंदर गायब हो गए लड़के।